प्यारे बच्चों एग्जांपल 16 को देखो, बड़ा इजी एग्जांपल है। बस आपको मतलब इमेजिनेशन आनी चाहिए, चीज़ों को 3D में सोचना आना चाहिए और सोचवाने वाले हम हैं। बस जैसे कहते चले जाएँ वैसे करते चले जाओ, आपसे बच के नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है 2 coaxial circular loops L1 एंड L2 ऑफ रेडियाई 3 cm एंड 4 cm। ये वाली बात ध्यान देनी है कि ये दोनों सर्कुलर लूप कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल का मतलब ये होता है कि दोनों की एक्सिस सेम है। अगर इसका सेंटर ये है तो इसके दूसरे वाले का सेंटर भी इसकी एक्सिस में ही होगा, तो ये कोएक्सियल है कुछ इस तरीके से। आपसे कह रहा है व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन लूप L2। L2 का जिक्र कर रहा कि L2 में करंट की डायरेक्शन क्या होगी जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट OB0, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी नेट कितना चाहिए, 0 चाहिए। उसके लिए इस दूसरे वाले लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन किधर को होगी जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाए। ये कैसा पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कोई करंट लूप है, लेट अस सपोज कि करंट लूप कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रखो, ये वाली फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल आप पता लगा सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, आगे की तरफ को होगी। इट मीन्स अगर इसके अंदर करंट कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से करो, फिर इसको ऐसे घुमा के ले आओ, अगर इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, पहली बात तो इसके अंदर देखो करंट किस तरीके से फ्लो हो रही है, किस तरफ को फ्लो हो रही है। अगर आप ये देख रहे हो कि ये बाहर वाला हिस्सा है, ये देख रहे हो कि ये बाहर वाला हिस्सा है, तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, और जब करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है तो यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 करना। फिलहाल इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ को है। अगर इसको मैं पहला वाला लूप कह दूँ, इसको दूसरा लूप कह दूँ, तो पहले वाले लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1 वो इस तरफ को आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो कि इस करंट कैरिंग लूप के अंदर फ्लो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 करना। तो 0 करने के लिए आपको ये चाहिए कि इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन कुछ अपोजिट की जाए। कैसे, पहला तो आप देखोगे यार मैंने इसके अंदर भी करंट कुछ ऐसे ही फ्लो करवानी है जैसे इसके अंदर है, मतलब कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट कुछ इसके अंदर इस तरह से फ्लो हुई तो आप खुद सोचो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा, और जब इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा तो इस पॉइंट पर दोनों करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, क्वेश्चन में कह रखा कि ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 लाना, तो फिर उसके लिए ये जरूरी है कि हम लूप 2 के अंदर जो करंट का फ्लो कराएंगे वो जस्ट अपोजिट कराएंगे लूप 1 के। अगर लूप 1 में एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है तो इसमें हम क्लॉक वाइज फ्लो करवाएंगे करंट का, करंट कुछ इस तरह से फ्लो करवाएंगे, और जब करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगी तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। आप कोई सा भी रूल लगा करके ये चीज़ चेक कर सकते हो, कोई सा भी रूल लगा दो यार, आप एम्पियर्स पोलैरिटी रूल लगा दो, या फिर आप कॉर्क स्क्रू रूल लगा दो, कोई सा भी रूल लगा दो, आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का बड़े आराम से पता लगा सकते हैं कि उधर को होगा। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई, हमसे पूछ रहा है कि इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगी, तो हम ये बोल देंगे कि लूप 1 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होगी लूप 2 के अंदर। तो ये वाली बात यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन में, 4 नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ करंट इन लूप 2 शुड बी ऑपोजिट टू लूप 1, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 करना, अब मुझे एक बात बताओ, इस लूप के हिसाब से यहाँ देखो
और इस लूप के हिसाब से यहाँ देखो, ये जो पॉइंट ओ है दोनों के लिए एक्सियल डायरेक्शन में है। कहाँ है? एक्सियल डायरेक्शन में। अगर इस लूप के यहाँ की बात करते तो ये सेंटर कहलाता, लेकिन इस लूप से यहाँ की बात कर रहे हो तो ये एक्सियल डायरेक्शन में है। सिमिलरली इस वाले लूप के भी ये एक्सियल डायरेक्शन में है। तो ये जो ओ पॉइंट है दोनों ही लूप से एक्सियल डायरेक्शन में। तो आप एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस करंट कैरिंग लूप की वजह से जो एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये वाला इसके अंदर फॉर्मूला यूज होता। इसमें सारी बात आपको क्लियर करके समझनी है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न है। यहाँ पर कोई जिक्र नहीं दे रखा नंबर ऑफ टर्न का, तो आप एक लेके चलेंगे कि दोनों ही लूप के अंदर वन वन नंबर ऑफ टर्न है, तो यहाँ एन की वैल्यू वन हो जाएगी। करंट आपको दे रखी है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, मतलब इसके अंदर तो दे रखी है, इसके अंदर नहीं दे रखी है। इसके अंदर आपसे करंट पूछ रहा, हमसे कह रहा ना डायरेक्शन ऑफ करंट और उसका मैग्नीट्यूड बताना है इसके अंदर। ठीक है, बता देंगे L2 के अंदर, तो मतलब करंट चाहिएगी। और A क्या है? A है रेडियस। रेडियस मतलब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। साथ में ये R क्या है? ये R वो डिस्टेंस है जो सेंटर से इस O पॉइंट की है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सब कुछ मिटा देता हूँ। ये वाला ये समझाया था, ये मिट जाएगा तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा और चीज़ें क्लियर करने के लिए। ठीक है भाई, बस अब यहाँ पर आप देखो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो करना है। तो आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा कि B1 जो होगा वो B2 के जस्ट इक्वल होगा। B1 मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर इक्वल होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड के, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये तो आपको क्लियर पता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो इसकी वजह से, वो कितना हो जाएगा? म्यू नोट, एन तो है नहीं, एन इज इक्वल टू वन है तो एन हटा दो। म्यू नोट एन आई, आई कितना है यहाँ पर? I1 है और A1 का स्क्वायर अपॉन टू A1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप कह दो R1, R1 का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा म्यू नोट I2 A2 का स्क्वायर अपॉन टू A2 का स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर की पावर 3/2। देखो म्यू नोट से म्यू नोट डायरेक्टली कट गया, 2 से 2 ये भी कट गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर I1 का स्क्वायर, अच्छा ये जो डिस्टेंस दे रखी है यहाँ के लिए ये मेंशन है, ये आपके लिए R1 का काम करेगा और ये R2 का काम करेगा, ये R2 का काम करेगा। तो ये वाली चीज़ अभी आपको दे रखी है। I1 आपको बताए कितनी है इसके अंदर? 1 एम्पियर की करंट है। A1 का स्क्वायर मतलब इसकी रेडियस, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कर दो स्क्वायर। तो ये आपने I1 A1 का स्क्वायर रख दिया। अब A1 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बताओ? A1 का स्क्वायर मतलब 3 × 10^-2 का होल स्क्वायर, तो ये A1 का स्क्वायर हो गया प्लस R1 का काम करेगी 4 सेंटीमीटर, तो ये रहेगा 4 × 10^-2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ तक बात पूरी हो गई, ये आपने इधर वाला हिस्सा लिख दिया। अब ये वाला हिस्सा लिखेंगे इज इक्वल टू I2, ये आपको चाहिए A2 का स्क्वायर, A2 मतलब कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 × 10^-2। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ऐसी A2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 16 × 10^-2 प्लस R2 मतलब ये 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे हाथ हाथ, 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 और ये हो जाएगा 10^-2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, A2 जब आपके आपके पास A2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4 × 10^-2 स्क्वायर करोगे तो 4 × 10^-4 हो जाएगा, तो यहाँ भी -4 आएगा। यहाँ तो मैंने ओपन करके दिखाया ही नहीं है अभी, तो यहाँ लिख लेते हैं 10^-4 ये है। और अच्छा यहाँ भी ओपन करके नहीं दिखाया, तो अच्छी बात है, ये बस यहीं धोखे से ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा 9 × 10^-4 ये भी ब्रैकेट बंद। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का क्या, मुझे I2 चाहिए। अब देखो नीचे 3 × 10^-2 का होल स्क्वायर, तो 3 × 10^-2 मतलब ये नीचे वाली चीज़ जो है वो सेम है, 3/2 यहाँ भी चल रहा है और 3/2 यहाँ भी चल रहा है, तो ये सेम चीज़ सेम को काट देगी। तो यहाँ पर बचेगा देखो 9 × 10^-4 ये बचा, ये हो गया, यहाँ पर 16 × 10^-4 डिवाइड में आ जाएगा 16 × 10^-4 और यहाँ पर बचा हुआ I2,
10 की पावर माइनस का 4, 10 की पावर माइनस का 4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 9 डिवाइडेड बाई 16 ये I2 की वैल्यू आ जाएगी। I2 कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 16। अब 9 को डिवाइड कर लो 16 से, चला जाएगा नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। 16 पंजे 80, तो ये 80 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 10 पॉइंट लगा हुआ 0, 16 छंग 96, तो 0.56 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.56 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आपसे पूछी थी दूसरे वाले लूप के अंदर, वैल्यू आ चुकी है 0.56 एम्पियर। देखो कितनी पेचीदा कैलकुलेशन लग रही है, लेकिन बड़ी ईजी है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखा करो, परखे करो कि ये कैसे होगा। तो ये इस तरीके से होगा, 0.56 एम्पियर कैसा आया, आपने सारी चीज़ें रखी बड़े दिमाग से। देखो हमें तो समझाना होता, हमें पढ़ना नहीं होता, हमें समझाना होता, तो हमारे लिए ये थोड़ी टफ होती है, लेकिन फिर भी देखो कितनी एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को लिख दिया और बिल्कुल सटीक आंसर तक पहुँचे। तो ये वाली बात होप सो समझ में आ गई होगी, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करेंगे, मज़े लो यार, मेहनत करो खूब।